एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार का जो राउंड वन का कट ऑफ था उसका एनालिसिस करेंगे। मैं आपको कॉलेज वाइज बताऊंगी कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा था या फिर क्या स्टेट रैंक पर वो कॉलेज क्लोज हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं PMCH पटना की। PMCH पटना का जो कॉलेज है उसके लिए जो जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक गई थी, जो बिहार की रैंक है, बिहार रैंक 146 पर ये क्लोज हुआ था। EWS कैटेगरी 36 रैंक पर ये क्लोज हुआ था। BC1 के लिए 75 रैंक पे, BC2 61 रैंक पे ये क्लोज हुआ था। SC 51 रैंक एंड ST सेकेंड, तो ये रैंक पर ये कॉलेज क्लोज हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं NMCH पटना। NMCH पटना जो क्लोज हुआ था 349 रैंक पर। अदर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद IGIMS पटना, जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी ये बिहार की रैंक है 243 पर ये क्लोज हुआ था। फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ये 448 रैंक पर UR के लिए क्लोज हुआ था। उसी प्रकार से अब सारे मेडिकल कॉलेज की रैंक वाइज देख सकते हैं, एनालिसिस देख सकते हैं कि राउंड वन में ये किस रैंक पर, बिहार रैंक पर ये क्लोज हुआ है। स्क्रीन पर आपको सारे कॉलेज की जो है यहाँ पर मैंने रैंक मेंशन कर दी है, आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, ये 587 रैंक पर क्लोज हुआ था। कैटेगरी वाइज देखिएगा, EWS, BC1, BC2, ST, SC सभी का आप देख सकते हैं। उसके बाद भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ आप देखेंगे तो इसमें 577 पर क्लोज हुआ है। फिर आप देख सकते हैं EWS का, फिर BC1, BC2 और उसके बाद आप देख सकते हैं ST का। तो इस तरह से आपको सारे कॉलेज के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो किस रैंक पर क्लोज हुआ है बिहार में। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो क्लोजिंग रैंक की हम बात करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कटिहार मेडिकल कॉलेज। ये जो है बिहार में ये कॉलेज, इसका जो क्लोजिंग रैंक था वो है 3471 राउंड वन का। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये जो है ये 3774 इसकी क्लोजिंग रैंक थी, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। नारायण मेडिकल कॉलेज, ये 4626 इसकी क्लोजिंग रैंक थी। उसके बाद लॉर्ड बुद्धा कौशी मेडिकल कॉलेज, तो इसकी 5017 क्लोजिंग रैंक थी। उसके बाद हम देखते हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 5333 इसकी क्लोजिंग रैंक थी। श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, 5428 इसकी क्लोजिंग रैंक थी। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 5487 इस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक थी। तो आपने अभी देखा प्राइवेट कॉलेज की क्लोजिंग रैंक राउंड वन में क्या थी, उस हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि राउंड टू की क्लोजिंग रैंक क्या होने वाली है। तो आप देखिए, अभी मैंने आपकी स्क्रीन पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दोबारा से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस क्लोजिंग रैंक पर कौन सा कॉलेज क्लोज हुआ है। तो और भी अगर आप राउंड टू की काउंसलिंग या मॉपअप तक जाना चाहते हैं, NRI कोटा से सीट लेना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से बिहार में सीट लेना चाहते हैं, ऑल इंडिया में सीट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे जो काउंसलर हैं, एजुकेशन काउंसलर हैं, एजुकेशन जी काउंसलर, मेडिकल काउंसलिंग करवाते हैं ये, और ये काफ़ी अच्छी काउंसलिंग करवाते हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो 10,000 रुपीज़ में पूरी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करवाते हैं, 25,000 में प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सके। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।